हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस आर मोमेंटम करेगी, इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स सी, हम लोगों ने कल क्लियर डिसाइड किया था कि मार्केट के लिए आज डिसाइडिंग लेवल होगा कि मार्केट किस तरफ जाना चाहती है। मार्केट डाउन साइड तो आया, बट यहाँ पर 35,750 के आसपास में क्लोजिंग नहीं दे पाई। यहाँ से मार्केट रिवर्स और फिर से जाकर के रेंज में क्लोजिंग दिया। आप यहां पर देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहां पर हमें एक प्राइस सेक्शन मिला, यहां से मार्केट हमें यहां पर 200 पॉइंट फ्लो में मोमेंटम दिया। आप यहां पर देख सकते हैं 200 पॉइंट ट्रैवल करने के बाद मुझे लगा यहां से मार्केट थोड़ा सा डिप जाएगा और क्लोजिंग इधर कहीं पर दे देगा, 36,500-37,000 के लेवल में मार्केट क्लोजिंग देगी बैंक निफ्टी। बट यहां से आप देख सकते हैं रिवर्स कर गया, रेंज में जाकर के फिर से क्लोजिंग दे चुका है। अभी मार्केट यहां पर डेली कैंडल में डोजी टाइप इस तरह से कैंडल बना चुकी है, रेड कैंडल ही बनाई है। तो कल हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अभी भी मार्केट में क्लियर पैटर्न दिख नहीं रही है, मार्केट में गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के चलते प्राइस एक्शन गैदरिंग हो गई है, क्लियर पिक्चर दिख नहीं रही है, एक आइडियल प्राइस एक्शन हमें दिख नहीं रही है। अभी मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में कंसोलिडेशन फेज है। तो कल हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो और इधर कहीं पर मार्केट ओपन होती है इधर कहीं पर इस रेंज में, तो हम लोग इस स्विंग को क्रॉस करते हैं या इसके नीचे 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, 35,750 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। बाइंग के लिए हमें थोड़ा सा प्राइस सेक्शन का वेट करना पड़ेगा, मार्केट फ्लैट ओपन हो और फिर 36,200 के पास थोड़ा सा हायर हाई फॉर्मेशन मिलनी चाहिए तो हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर लगातार रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस हो सकती है मार्केट के लिए, तो इसके पास स्पेस नहीं है। तो मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगी तो हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, 36,400-35,000 जा सकती है। तो 36,200 के आसपास में हमें हायर हाई फॉर्मेशन मिलनी चाहिए या फिर यहाँ पर रेंज बना करके अपसाइड ब्रेकआउट दे तो ही हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर बाइंग के लिए कोई यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है, क्लियर हमें पैटर्न मिल नहीं रही है, डाउन साइड में भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है। बट अगर यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन हो जाए और इस स्विंग को क्रॉस करे, इसके नीचे 15 मिनट या 5 मिनट फ्रेश रेड कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। बट बाइंग के लिए हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है, बाय में हमें प्राइस एक्शन मिलनी चाहिए, हायर हाई फॉर्मेशन, तो ही हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग इजिली समझ रहे होंगे। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपन हो तो हम लोग प्राइस सेक्शन का वेट करेंगे देन ट्रेड करेंगे। चलिए अभी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सेंटिमेंट है, सेम बैंक निफ्टी के जैसा निफ्टी ने भी आप यहाँ पर देख सकते हैं गैप डाउन ओपन हुआ। हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर एनालिसिस किया था कि स्विंग के नीचे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे ओपन हुआ, फिर यहाँ पर एक प्राइस सेक्शन हमें मिला, लोअर लो फॉर्मेशन मिला, यहाँ से मार्केट 70-80 पॉइंट मूव किया, फिर ये जा करके अपसाइड रेंज में ही क्लोजिंग दिया। अगर ये थोड़ा सा डाउन साइड में आकर के इधर कहीं पे क्लोजिंग देता 16,950-16,900 के पास में, इस रेंज में अगर क्लोजिंग देता तो हमारे लिए बेहतर होता, फिर मार्केट को हम सेल साइड प्रिडिक्ट कर सकते थे, सेलिंग के लिए प्लान कर सकते थे। बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट रेंज में, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज है मार्केट में, तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, बाय एंड सेल दोनों तरफ के लिए हमें थोड़ा सा प्राइस देखना पड़ेगा, प्राइस पैटर्न का वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है तो हम लोग इस स्विंग के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, इसके नीचे 15 मिनट 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग का हम लोग वेट करेंगे, इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग देगी तो हम लोग इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होना चाहिए 16,900-16,850 हमारे टारगेट पॉइंट होने चाहिए, यहाँ से 60-70 पॉइंट का स्पेस है। हम लोग बाइंग थोड़ा सा यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बाइंग के लिए हमारे यहाँ पर कोई पैटर्न दिख नहीं रही है, अगर यहाँ पर हमें कोई पैटर्न दिखती है इस तरह से हायर हाई फॉर्मेशन तो हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपन हो तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे या फिर 15 मिनट कैंडल का वेट करेंगे, किस तरह से बना रही है, अगर उसके हाई को निकालेगी तो बाय करेंगे और बेरिश बनाने के बाद उसके लो को निकालेगी तो हम लोग सेल करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग इजिली समझ रहे होंगे, सो हिट द लाइक बटन एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी
वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कोई भी एनालिसिस एंड लर्निंग का वीडियो मिस ना हो। चलिए अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर प्राइस सेक्शन बना चुका है सेल साइड के लिए, मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर यह सेकेंड टाइम स्लोली स्लोली डाउन साइड आ रही है। यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बना करके अभी अच्छे लेवल पर क्लोजिंग दे चुकी है। कल अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग यहाँ पर 4070 या 65 को क्रॉस करते ही हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1:2 मिल सकती है। नेक्स्ट है सन फार्मा, यहाँ पर अप जाने की कोशिश तो किया बट ये अप जा नहीं पाया। स्विंग को ब्रेकआउट के बाद काफ़ी टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर देख सकते हैं एक चैनल था, चैनल को ब्रेकडाउन दे चुका है। अपसाइड ब्रेक नहीं किया, डाउन साइड ब्रेकडाउन दिया। अभी यहाँ पर प्राइस सेक्शन भी लोअर लो फॉर्मेशन दे चुकी है। कल अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग 903 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का होना चाहिए, टारगेट 1:2 मिल सकती है। नेक्स्ट है इन्फोसिस, इन्फोसिस यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर भी सेल साइड के लिए जा सकता है। मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंटम किया, अभी ये रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है। अभी थोड़ा सा और डीप करेक्शन इसमें हो सकती है, अच्छे लेवल पर क्लोजिंग है। कल अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग 1550 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1:2 मिल सकती है। नेक्स्ट है आइसर मोटर, आइसर मोटर यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड मूव कर सकती है, लगता है रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हैं इस बड़ी कैंडल के अंदर में ही 4 डेज टाइम स्पेंड किया, अभी हायर लेवल में जाकर के क्लोजिंग दे चुकी है। कल अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग 2675 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1:2 मिल सकती है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग इजीली समझ रहे होंगे। सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।